आइडेंटिफाई किया है करीब 45 लीडर्स ऐसे हैं जो कि हाई रैंकिंग लीडर्स हैं नक्सली, और वो यहाँ पर एक्टिव भी हैं, सक्रिय भी हैं और घटनाएं कर रहे हैं। उन प्रत्येक नक्सली लीडर और ग्रुप के पीछे हमने विशेष टीम लगाई है इस उनके विरुद्ध जो कार्रवाई करनी थी। स्प्रिंटर ग्रुप्स के बारे में जो है उसमें ये हम लोग की जो झारखंड पुलिस के साथ समन्वय हुआ है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि उन पर ज़्यादा फोकस झारखंड पुलिस का रहेगा और हम लोग भी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमारे AOR में जब भी उनकी एक्टिविटी होगी हम कार्रवाई करेंगे, बट मेन फोकस झारखंड पुलिस का स्प्रिंटर ग्रुप्स के प्रति रहेगा और हमारा जो मुख्य जो फोकस है टारगेट है वो CPI माउस्ट है, CRPF प्रोग्राम का जहाँ तक संबंध है। अब उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना पहले था, काफ़ी कुछ वहाँ पे कार्रवाई हुई है, कई नक्सली नेता मारे गए और सरेंडर हो गए। वर्तमान में भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं परंतु इतनी वृहद स्तर की नहीं है जो पहले होती थी। इस समय हमारा जो फोकस एरिया है जहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है वो ट्राई जंक्शन का है और पोराहाट एरिया है। इवन सरंडा एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, सरंडा एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। तो अब इनका नया सेफ जोन वही कोई दूसरा है कि वही है जो पहले था इनका, पोराहाट और बूढ़ापाड़? पोराहाट सेफ जोन है और ट्राई जंक्शन, जैसे मैंने बताया ट्राई जंक्शन में इनकी एक्टिविटी है, और अगला जो पॉकेट जो हमारा है वो पारसनाथ का है, वहाँ पर भी इनकी